इंडियन नेशनल लोकदल के बागी नेता अजय चौटाला ने नई पार्टी के गठन के बाद गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की राजनीति करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए सभी एक सोच वाली पार्टियों के एक मंच पर आने की वकालत की। दल राजनीतिक तौर पे हम राजनीतिक सूझबूझ से सारे मिल बैठ करके निर्णय करेंगे। हमारा काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है, जो देश को जाति पाति धर्म और संप्रदाय के नाम पे बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस जिसने सदैव इस देश को लूटने का काम किया है, वो दूर हों और इस तरह के लोग आगे आएं। बहन मायावती जी जैसे लोगों का इस देश में शासन सबको साथ लेकर के, आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो पंजाब के सुखपाल खैरा जैसे भाई गोइयों को भी ये कहते हैं कि वो सब इकट्ठे हों, सब इकट्ठे हों, सब इकट्ठे होंगे तो उस स्थिति में आएंगे। मैं तो तमिलनाडु के लोगों से भी कहूँगा, आंध्र प्रदेश के भी लोगों से कहूँगा, गुजरात के लोगों से भी कहूँगा, बंगाल के लोगों से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा। नई पार्टी के गठन का वो हमारे सर्वे सर्वा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो हमारे वेलविशर हैं, उनका सदैव स्नेह का हाथ रहा है और रहेगा। सोमवार को सिरसा में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का कोई भला नहीं किया है। अजय चौटाला ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर को तुरंत पद से हट जाना चाहिए। नहीं, और ये इस काबिल ही नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी पहले पहले ये बात कहते रहे कि भला आदमी, हम भी कहते रहे, पर ये तो इस लायक ही नहीं है। जब से ये प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा है कि महिलाएं सुरक्षित है क्या? दो दो चार चार साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ दिया, ये इस लायक ही नहीं है। इनको तो एक पल ही नहीं रहना चाहिए। परिवार में चल रही लड़ाई पर बोलते हुए अजय चौटाला ने कहा कि नैना चौटाला विपक्ष की नेता के पद की दावेदार रही हैं और न ही दुष्यंत ने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था। लड़ाई के लिए, परिवार की इस पूरी लड़ाई के लिए अजय चौटाला ने अपने भाई अभय सिंह चौटाला को जिम्मेदार ठहराया। अरे भाई मेरे, हमारा परिवार एक है, वो मेरा अजीज है और उसी घर से खाना जाएगा और उसकी भाभी बना के भेजेगी, उस चीज में कोई फर्क नहीं आया। अभय सिंह जी ने एक बात भी की थी कि उन्होंने ऑफर की थी नेता की भी, किस किस को की थी ऑफर? नहीं नहीं, ना नैना चौटाला कभी प्रतिपक्ष की नेता बनने की दावेदार थी, ना आज है ना कल होगी, और ना दुष्यंत चौटाला कभी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना। उसने तो सदैव ये कहा कि चाचू मैं तो पार्लियामेंट का कैंडिडेट हूँ, चाचा ने संभालना था, पर चाचा अब 70वीं मंजिल से धक्का दे तो फिर क्या करेंगे बच्चे, इसलिए दे पहले ये तो बता कर तू काट देनी तेरे दिन ताकत भाई तेरे पास ताकत है, तूने मेरे को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, तू उसने काट दे भाभी ने, अगले दिन मेमोरी कौन देगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।